पूछ लो। उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने? उसने कहा जी पहला मेरा सवाल ये था कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता? तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है? कहने लगा हाँ। कहने लगे दिखा दर्द। दर्द होती है ना वैसे, मेरे मेदे में दर्द है जी, कितने अजी रोड़ा पैदा है, कितने जो दिल लिया ठंडी वाल वाइए, दिल है पर नजर। मैं तो क्या करता हूँ, हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, हमारे साथ हैं पर हम उन्हें देख सकते हैं। हमारी पुश्त है ना हमारे साथ, हमारी अपनी है ना जी। को बंदा लक ते मारे चंड ते उन्हें लड़ना है कि नहीं? वो डंडा मारे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी पुश्त देखी भी है? तो हजरत बहलोल का ना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती पर है तो सही ना। तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया। तो हजरत बहलोल का ना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती पर है तो सही ना। तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया तो नहीं ना जा सकता, तो क्यामत में नजर आएगा, और आएगा तो इंशाल्लाह सारे देखेंगे, खोल के देखेंगे और राज राज के देखेंगे। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैंने अपना रब देखा है तो बड़ी सोनी सूरत में देखा है, बड़ी सोनी सूरत में। और यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। अच्छा दूसरी बात, हजरत बहलोल ना फरमाने लगे तेरा दूसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो कराता है शैतान कराता है तो फिर इंसान को सजा क्यामत में क्यों मिलेगी? तो आप फरमाने लगे जा फिर तुझे रोड़ा भी शैतान ने मारा, मेरे ऊपर पर्चा क्यों कटा दिया, पकड़ जाके उसको। एक दोस्त सवाल पूछ रहा था मुझसे, कहने लगा पीर साहब मैंने तलाक दे दी है बीवी को गुस्से में। मैंने कहा तलाक हो गई? कहने लगे मेरा इरादा ही नहीं था, वो तो गुस्सा था तो निकल गई, मेरा इरादा। मैं कह तू जो एक बंदा मार चढ़े उन्हें कतल ही कर दे तो बाद च आखे मेरा इरादा, तो तेरे इतना को कहन नाल कर दे मेरा खल तेन कुछ नहीं कहेंगे, तेरे ते परचा भी मेरा इरादा ही नहीं था, गुस्सा आया लड़ाई। और कई दफा ऐसा होता है कि गुस्से के आलम में आपका वाकई मारने का इरादा नहीं होता, लेकिन गुस्से में पता ही नहीं चलता कौन सा घोंसा कौन सा मुक्का किसको लग जाता है ना जी। आपको बंदा कहे मेरा इरादा ही नहीं था तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसलिए हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला ने फरमाने लगे कि रब है, उसके जलवे जगह जगह नजर आते हैं और उसकी जात कयामत में नजर आए। वो किस तरह का है, किस मियार का है, किस हाल में है, ये पता कयामत में चलेगा। आपने फरमाया तेरा तीसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा तीसरा सवाल ये था कि शैतान आग से बना है तो आग को आग में डालेंगे तो उसे क्या तकलीफ होगी? तो आप फरमाने लगे तू किस चीज से बना है? कहने लगा मिट्टी से। तो फरमाया मैंने तुझे क्या मारा है? कहना मिट्टी। फरमाया दर्द हुई है? कहने लगा बड़ी। फरमाया उसे भी होगी, हुई है ना दर्द? कहने लगा हुई है। तो